हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? द हीट ऑफ कम्बस्टन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलो जूल पर मोल। द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस इज। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हमें हीट ऑफ कम्बस्टन के बारे में समझना होगा कि हीट ऑफ कम्बस्टन होता क्या है। द हीट ऑफ कम्बस्टन ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम व्हेन वन मोल ऑफ द सब्सटेंस। कितना है बच्चों? व्हेन वन मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन द एक्सेस ऑफ एयर। किसकी प्रेजेंस में? इन द एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज नोन एज द हीट ऑफ कम्बस्टन। ठीक है ना बच्चों? तो अब यहाँ पे क्या है कि जब आपका कार्बन प्लस में ओ टू जब इसको बर्न करेंगे तो आपका क्या निकलेगी? यहाँ पे सीओ टू बनेगी और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी कि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों, जब भी आप इसको हीट अप करोगे ना कार्बन को, कोई भी हो, कम्बस्टन क्या होती है? ऑलवेज नेगेटिव होती है। किसमें होती है? एंथैल्पी, हमारी जो कम्बस्टन की हीट है वो क्या होती है? ऑलवेज नेगेटिव में होती है, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना? तो डेल्टा एच बराबर अगर हम बात करेंगे तो डेल्टा एच बराबर आपका क्या होगा बच्चों? तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है? -393.5 किलो जूल पर मोल। तो इसका सीधा मतलब है कि आपका एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी बच्चों? -393.5 किलो जूल। ठीक है ना? अब आपके पास क्या है कि आपको सबसे पहले इस चीज को समझना है कि आपके पास क्या है? 35.2 ग्राम CO2 है। तो 35.2 ग्राम CO2 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों? कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो वो जानना है हमें। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं बच्चों? तो इसके लिए हमें करना होगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं CO2 के। वो कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो 35.2 को अगर आप 44 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आपको पता चलेगा कि ये अपने नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे यहाँ पे। तो 35.2 को अपने इससे डिवाइड करना है 44 से। तो कितना आएगा बच्चों ये अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आएगा आपका 0.8 के समथिंग। किसके अराउंड आ जाएगा बच्चों? 0.8 मोल के अराउंड। तो वन मोल से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों? वन मोल CO2 क्रिएट करने में तो -393.5 किलो जूल। और अगर हमें 0.8 मोल बनाने हैं तो कितना हो गई बच्चों एनर्जी? तो -393.5 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.8 से। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा -314.8 किलो जूल समथिंग। तो अगर हम इसको देखें बच्चों, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा? -315 किलो जूल के अराउंड आ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो -315 किलो जूल बिल्कुल सही है और +315 किलो जूल गलत है, +630 किलो जूल गलत है, -630 किलो जूल ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।